क्या इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा? सियासतदानों के लिए रातों रात अदालत खोलने और इंसाफ देने वाले मौजूद जज साहिबान अपने मामले में इंसाफ देने से ताखीर क्यों कर रहे हैं? क्या बना इस केस का? FIR के मुताबिक मुतासर बच्ची ने बताया कि सिविल जज की अहलिया वाइफ रोजाना उन पर डंडों और चमचों से तशद्दद करती थी और कमरे में भूखा प्यासा फेंक देती थी। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 15 जाहिरी चोटों के अलावा बच्ची के अंदरूनी अजाब मुतासर हैं और सर के जख्म खराब हो चुके हैं। इस्लामाबाद में सिविल जज की बीवी ने घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर बदतरीन तशद्दद किया। 6 माह में ऐसी हालत कर दी, मां देखकर चीख उठी, बाजू और टांगें टूटी हुई थी। बच्ची के अस्पताल में बचने के चांसेस भी कम हैं। जब सिविल जज से पूछा गया, आपको इस बारे में मालूम है? तो कहा कि मुझे नहीं पता, बच्ची तो स्कार्फ पहनती थी। इस बच्ची की वीडियो इंतहाई भयानक है। इस्लाम हमको मोहब्बत का दर्स देता है, बच्चों पर शफकत का दर्स देता है, अपने से छोटों से प्यार करने का दर्स देता है। मेरा सवाल है, क्या ये जज साहिबा जिन्होंने इस बच्ची को मारा पीटा और 6 मंथ में ये हाल कर दिया, वो अपनी बच्ची के साथ यही सलूक यही रवैया बर्दाश्त कर सकती है? आखिर कब तक एक गरीब आदमी इस चक्की के दलदल में पिसता रहेगा? आखिर कब मिलेगा गरीब आवाम को इंसाफ? आखिर इंसानियत ऐसा साथ का मनसब कौन संभालेगा? फैसला अब आवाम ने करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।